हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी इंग्लिश पेडागोजी का लेक्चर नंबर 8 है और आज की क्लास में हमने जो लेक्चर नंबर 7 में स्टार्ट किया था, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज। यदि हम इसकी बात करें तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया, हमने लिसनिंग के बारे में देख लिया है, ठीक है, सुनना जिसको हम बोलते हैं उसको हमने देखा था। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, तो हम स्पीकिंग पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि यदि हम लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं तो लैंग्वेज स्किल का क्रम क्या है, तो LSRW है। क्या है LSRW? L फॉर लिसनिंग, L से क्या है, तो L से लिसनिंग है हमारा, ठीक है। S से क्या है, तो S से स्पीकिंग है हमारा, स्पीकिंग है। R से क्या है, तो R से रीडिंग है, पढ़ना है ना। और W से क्या है, तो W से है हमारा राइटिंग, लिखना, बिल्कुल ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में चर्चा किया था, आज भी हम देखेंगे कि आखिरकार ये है क्या, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो हमसे गलत ना हो, हम किसी भी चीज़ को जब हम बार 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 देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बिल्कुल छप जाती हैं और वो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं, और फिर उसके बाद में एग्जाम में जब वो आएगा तो क्या वो आपसे गलत होंगी, तो जी नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होंगी। तो यदि हम लिसनिंग और रीडिंग की यदि हम बात करें, यदि हम इन दोनों की बात करते हैं, लिसनिंग और रीडिंग, तो लिसनिंग और रीडिंग क्या होती है, तो लिसनिंग और रीडिंग हमारी रिसेप्टिव स्किल की कैटेगरी में आती है। किसकी कैटेगरी में आती है, रिसेप्टिव स्किल की कैटेगरी में आती है, या फिर हम इसे बोलते हैं पैसिव स्किल। क्या बोलते हैं, पैसिव स्किल बोलते हैं। वेयर आज, जबकि यदि हम स्पीकिंग और राइटिंग की बात करें, तो स्पीकिंग और राइटिंग किस कैटेगरी में आते हैं, तो स्पीकिंग और राइटिंग हमारे प्रोडक्टिव कैटेगरी में आते हैं। क्या, किस में आते हैं, प्रोडक्टिव कैटेगरी में आते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं एक्टिव स्किल बोलते हैं। साथ ही साथ हमें एक्सप्रेसिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा रिसेप्टिव या पैसिव क्या है, तो लिसनिंग और रीडिंग है, लिसनिंग और रीडिंग है। यदि आपसे बोला जाएगा कि स्पीकिंग क्या है, तो स्पीकिंग एक प्रोडक्टिव स्किल है। स्पीकिंग क्या है, तो स्पीकिंग एक प्रोडक्टिव स्किल है। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, स्पीकिंग पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि स्पीकिंग क्या है, तो प्रोडक्टिव स्किल है ये, एक्टिव स्किल है ये, एक्सप्रेसिव स्किल है। हम बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम एक्टिवली सक्रिय रूप से हम भागीदार हैं, हम अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पीकिंग की यदि हम बात करें तो इसके कुछ प्रकार होते हैं, और क्या प्रकार होते हैं, तो तीन प्रकार की स्पीकिंग होती है। ये तीन प्रकार का क्या होता है, तो पहला होता है इंटरैक्टिव। क्या होता है, इंटरैक्टिव। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है हमारा पार्शियल इंटरैक्टिव। तीसरा क्या होता है हमारा, तो तीसरा होता है हमारा नॉन इंटरैक्टिव। एक एक करके सभी पर चर्चा करेंगे। तो जब हमारी बात आती इंटरैक्टिव की, बोले ना इंटरैक्शन कैसा रहा तुम्हारा उसके साथ में, बहुत अच्छा इंटरैक्शन, इंटरव्यू में आज तुम्हारा, आज इंटरव्यू था ना, कैसा रहा तुम्हारा इंटरैक्शन उनके साथ में, तुमसे क्या पूछा गया, तुमने क्या बताया। हम बोलते हैं ना, तुमसे क्या पूछा गया, तुमने क्या बताया, बिल्कुल सही। इंटरैक्शन कैसा रहा तुम्हारा, इंटरैक्शन की यदि हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, कॉन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है, चाहे फेस टू फेस बातचीत हो या फिर टेलीफोनिक कॉल्स, यानी कि टेलीफोन कॉल्स के जरिए बातचीत हो रही है। यानी कि यहाँ पे एक वक्ता भी है, एक कोई बोलने वाला, सिंपल से ऐसे समझिए, बोलने वाला है, कोई बोलने वाला भी रहेगा, और दूसरी तरफ में श्रोता भी है, यानी कि कोई सुनने वाला है, कोई सुनने वाला है। तो इंटरैक्शन किसके बीच में होता है, इंटरैक्शन होता है जहाँ पे वक्ता और श्रोता दोनों होते हैं, कोई बोल रहा है और कोई सुन रहा है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आया। इन विच वी अल्टरनेट बिटवीन लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड इन विच वी हैव अ चांस टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। आप किसी से बातचीत कर रहे हो, आपको चीजें समझ में नहीं आई, आप बोलोगे पार्डन प्लीज, यानी कि प्लीज रिपीट करिए, प्लीज मुझे ये चीज समझ में नहीं आया, प्लीज मुझे एक बार और समझा दीजिए, यानी कि हम क्या बोलेंगे, क्लैरिफिकेशन के लिए बोलते हैं, हम रिपीट करने के लिए बोलते हैं, हम बोलते थोड़ा धीरे बोलिए ना,
थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, आप क्या बोलना चाहते हैं? थोड़ा धीरे बोलिए, स्लोअर स्पीच, थोड़ा धीरे बोलिए। हम ऐसा चीजें, जब हम ये चीज, ये कौन बोल रहा है जो सुन रहा है, किसको बोल रहा है? बोलने वाले को बोल रहा है, बोलने वाले को ये चीज बोला जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमें ये चीज बिल्कुल याद रखना है, इंटरैक्शन या इंटरैक्टिव स्पीकिंग क्या होती है? इंटरैक्टिव स्पीकिंग होती है जहाँ पे कोई हमें सुन रहा होता है, जहाँ पे कोई बोल रहा होता है, कोई बोलता है, कोई सुनता है, यानी कि फेस टू फेस हम किसी से बात कर रहे हैं या फिर हम टेलीफोन कॉल्स के जरिए बात कर रहे हैं। ये क्या है? तो यह इंटरैक्टिव। पार्शियली इंटरैक्टिव क्या होता है? पार्शियली इंटरैक्टिव स्पीकिंग क्या होती है? पार्शियली इंटरैक्टिव स्पीकिंग होती है पब्लिक स्पीच। क्या होती है? पब्लिक स्पीच, जहां कहीं पे भी ऑडियंस डज नॉट इंटरप्ट द स्पीच। हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में हमारे जो प्रधानाध्यापक हैं, है ना, हमारे प्रिंसिपल हैं, या फिर हम बात करें हेडमास्टर, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो स्पीच दे रहे हैं, वो भाषण दे रहे हैं। भाषण दे रहे हैं तो हम कुछ बोल नहीं रहे बीच में, हम केवल सुन रहे हैं, हम उनको बीच में टोक नहीं रहे, हम इंटरप्ट नहीं कर रहे, भाषण दे रहे हैं वो। द स्पीकर चेक्स वेदर ही इज अंडरस्टूड और नॉट फ्रॉम द ऑडियंस फेस। तो फिर कैसे पता चलेगा? इंटरैक्टिव में तो पता चल गया ना, इंटरैक्टिव में जो सुन रहा है वो तो बोला प्लीज धीरे बोलिए, प्लीज रिपीट कर दीजिए, धीरे बोलिए, रिपीट कर दीजिए, प्लीज थोड़ा सा एक बार और समझा दीजिए। यहाँ पे यानी कि वक्ता और श्रोता दोनों है, और जो वक्ता है वो श्रोता की बात को सुन पा रहा है, लेकिन पार्शियल इंटरैक्शन में जो वक्ता है यानी कि जो बोल रहा है, वो श्रोता यानी कि जो सुन रहा है, वो ये जो होते हैं, जो लिसनिंग, जो यानी कि जो सुन रहे होते हैं, वो इनसे बात नहीं करते जो बोल रहे हैं। पार्शियल इंटरैक्शन है यानी कि केवल भाषण दिया जा रहा है। तो फिर इनको जो बोल रहा है उनको कैसे पता चले कि इनको समझ में आ रहा है या नहीं? तो हमारे प्रिंसिपल क्या समझते थे कि काफी देर हो जाता था, यानी कि डेली असेंबली हुई, असेंबली के बाद में क्या होता था कि उनका भाषण चालू हो जाता था, ठीक है, भाषण तो चालू हो गया। फिर उसके बाद में अब धूप में, जैसे कि धूप है, कुछ कुछ बच्चे तो गिर गिर के गिर जाते थे, बहुत सारे बच्चे तो चलो ठीक है वो तो किनारे चले गए, उनको उठा करके ले गया गया। अब लेकिन अब वो बोले जा रहे तो बहुत बार क्या होता था कि लोगों का चेहरा इतना अजीब सा बनाने लोग लगते थे, तो जो बोल रहा है तो वो समझ जाता था कि अरे यार इंटरेस्ट नहीं है, या फिर बच्चे क्या करते थे, ताली बजाने लगते थे, खुशी के मारे नहीं, ताली इसलिए कि बंद करो और चलते बनो, यहाँ से बंद करो चलते बनो। इसका मतलब कि जो बोल रहा है वो उसको कैसे पता चले कि इनको समझ में आ रहा है या नहीं? ऑडियंस के फेस से, क्योंकि पार्शियल इंटरैक्शन है, सुनने वाला बोल नहीं पाता। पार्शियल इंटरैक्शन में सुनने वाला बोलेगा नहीं, याद रखना है ना। थोड़ा एग्जांपल से समझने की कोशिश की, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के जरिए आपको बताया है, जिससे आप लोगों को यहाँ पे बात एकदम क्लियर हो जाए कि जो पार्शियल इंटरैक्शन होता है वहां पे जो सुन रहा है वो बोलेगा नहीं, केवल बोलने वाला ही बोल रहा है। लेकिन जब हमने ये इंटरैक्शन में देखा तो दो जन है, एक बोलता है एक सुनता है, लेकिन सुनने वाला भी बोल सकता है। प्लीज रिपीट कर दीजिए, प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए, कितना धीरे बोलते हो, थोड़ा जल्दी बोला करो ना। तो ये सभी बातें हो रही हैं, तो ठीक है बिल्कुल हमें पता चल रहा है, अच्छा ऐसा करना है क्या, ठीक है हम कर लेंगे। लेकिन पार्शियल इंटरैक्शन है, पार्शियल इंटरैक्शन में जो सुन रहे, आप क्या कर रहे हो अभी? पार्शियल इंटरैक्शन है, आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, पता कैसे चलेगा आप क्या बोलना चाहते हो? चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन से पता चलेगा, अच्छा ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। नॉन इंटरैक्शन क्या होता है फिर? नॉन इंटरैक्शन की कैटेगरी में क्या आता है? नॉन इंटरैक्शन की कैटेगरी में आता है वहां पे कोई नहीं बोल रहा है, रिकॉर्डेड है, कोई नहीं बोल रहा है। इसका मतलब क्या है? आप रेडियो ब्रॉडकास्ट सुनते हो? जी हाँ सुनते तो है। फ्यू स्पीकिंग सिचुएशन कैन बी टोटली नॉन इंटरैक्टिव, सच एज व्हेन रिकॉर्डिंग अ स्पीच फॉर अ रेडियो ब्रॉडकास्ट और परफॉर्मिंग इन अ प्ले और रिसाइटिंग अ पोयम। जब रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है तो इसका मतलब कि क्या होता है? अब यहाँ पे यदि ये पार्शियल इंटरेक्शन वाले जो ये जो बात है, यहाँ पे ये लाइव सेशन हमारा हो रहा है, एक लाइव सेशन हो रहा है हमारा, ठीक है। लाइव सेशन में यदि हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है? वो पार्शियल इंटरेक्शन है। लेकिन आप रिकॉर्डेड वीडियो जब सुन रहे हो
वो क्या है, नॉन इंटरैक्शन है। क्या है? नॉन इंटरैक्शन है। यहाँ पे आप यहाँ पे हम लोग आमने सामने बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं तो इंटरैक्शन हो रहा है। कितना धीरे बोलते हो, थोड़ा जल्दी बोलो। कितना धीरे बोल रहे हो, कितना जल्दी बोल रहे हो, थोड़ा धीरे बोलो। यहाँ पे ये चीज ना समझ में नहीं आया, थोड़ा सा रिपीट कर दोगे क्या? यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आया? लाइव सेशन चल रहा है, चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन से। यानी कि यदि ये मैं केवल एग्जाम्पल के जरिए बता रही हूँ, ठीक है, अदरवाइज इसमें जो सुनने वाला है वो बोल नहीं रहा है, बल्कि स्पीकर को कैसे पता चला? ऑडियंस के फेस से पता चला। तो सिंपल, मुझे पता कैसे चलेगा? लाइव सेशन में आपने कमेंट किया, आपने चैट सेक्शन में लिखा, अच्छा ऐसा, अच्छा ये चीज है क्या, ठीक है अपन कर ले। नॉन इंटरैक्शन कब है? नॉन इंटरैक्शन मतलब कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं। कोई तो बैठा ही नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्ड कर दिया गया, डाल दिया गया, कोई तो बैठा थोड़ी ना है हमारे सामने में, रिकॉर्ड कर दिया गया। जब जो चीज रिकॉर्ड है, आप मन जे नंबर ला लगाए हो, यहा उहा ये समय व्यस्त आवे, उहा ये समय पहुंच के बाहर आवे, ये सब क्या रिकॉर्ड कर दिया गया, बोल दिया गया। हम आपकी कॉल कनेक्ट कर रहे हैं, कोई बोल थोड़ी ना रहा है हमसे कि हम आपकी कॉल कस्टमर का, हम अपने कस्टमर केयर सर्विस में आप कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं, रिकॉर्ड कर दिया गया, फिर कनेक्ट कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो नॉन इंटरैक्शन है। जैसे कि वहां पे हम देखते हैं अनाउंसमेंट होती है, रेलवे स्टेशन में होती है, बस स्टैंड में होती है, एयरपोर्ट में होती है, सब नॉन इंटरैक्शन की कैटेगरी में। तो आपको ये समझ में आ स्पीकिंग के कितने प्रकार होते हैं? आई होप अब इसमें से मैंने एग्जाम्पल लेकर के आपको इसलिए समझाया है कि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्टली ये सब ना लिखा हो, लेकिन यदि कुछ अलग भी चीज लिखा हो, लेकिन यदि आपने मीनिंग को समझ लिया है, तो आई होप आप लोगों से बन जाएगा। एक इंटरैक्शन होता है, एक पार्शियल इंटरैक्शन होता है, एक नॉन इंटरैक्शन होता है। मेरी आशा ये है कि अब आप लोगों से यहाँ पे बन जाएगा, चाहे अब कुछ भी लिखा रहेगा वहाँ पे। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में आता है कुछ सजेशंस है, कुछ सुझाव है, क्या करने के सुझाव है कि स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे इनका विकास हो सकता है, किसका, बोलने के कौशल का और सुनने के कौशल का कैसे विकास होगा। तो पहली बात, ये भी इस पैटर्न में भी क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। द क्लास शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स। कैसे करें अपन? छोटे छोटे ग्रुप्स में क्लास को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड हो गए। इंस्ट्रक्टर टीचर सर्व एज अ गुड मॉडल फॉर द लर्नर्स। जो टीचर्स होते हैं या फिर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो क्या है, एक अच्छे एक मॉडल है किसके लिए, अधिगमकर्ता के लिए, लर्नर्स के लिए। कि जैसे कि हम बात करें ना कि हमें प्रभावित क्या, कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमें हमारे शिक्षक कितना बढ़िया बोलते हैं, बिल्कुल हमें भी ना ऐसे ही बोलना है, बिना देखे कितना बढ़िया बोलते हैं, हमें भी ना ऐसे ही बोलना है, हमारे लिए आदर्श बने हैं हमारे शिक्षक, बने हैं, जी हाँ बिल्कुल बने तो हैं। तो अधिगमकर्ता के लिए इंस्ट्रक्टर या टीचर्स क्या होते हैं? गुड मॉडल होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लर्नर्स जनरली इमिटेट देयर टीचर्स। अधिगमकर्ता क्या करते हैं, शिक्षार्थी क्या करते हैं, शिक्षार्थी अपने शिक्षकों को क्या करना चाहते हैं, अनुकरण करना चाहते हैं। ऐसी हम एक दिन ना अपने को भी ऐसी बनना है, एक दिन अपने हमारे आदर्श है वो। थस प्रोनंसिएशन स्ट्रेस रिदम एंड इंटोनेशन ऑफ द टीचर शुड बी गुड। जब हमें ये चीज पता है कि हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षार्थी हमें एक अच्छा, एक क्या मान के रखे, रोल मॉडल मान करके रखे, हमारा अनुकरण करते हैं, तो कैसे एक कैसे बोलना और सुनने का ये जो कौशल है, यानी कि स्पीकिंग और लिसनिंग कौशल कैसे डेवलप हो सकता है, कैसे ये स्किल डेवलप हो सकती है, जब आपके प्रोनंसिएशन अच्छे होंगे। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, शिक्षक के लिए आवश्यक क्या है कि आप सही उच्चारण करें। जब आप सही उच्चारण करेंगे, तो आप जो पढ़ाएंगे, तो आपके बच्चे भी सही उच्चारण ही करेंगे। आपके बच्चे जिनको भी आप पढ़ाएंगे, वो भी सही उच्चारण करेंगे। इसीलिए एक शिक्षक को चाहिए कि उनका प्रोनंसिएशन सही हो, उनका रिदम सही होना चाहिए, उनका रिदम सही होना चाहिए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, रिदम। बच्चे भी वैसे ही गा रहे हैं। बच्चों को पोयम लय में याद होती है। कैसे याद होती है? हमें भी वैसे याद होती है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, सब रिदम में आता है। तो शिक्षक को क्या है, वो रिदम सही होना चाहिए।
जो इंटोनेशंस जो यूज किए जाते हैं कि यहाँ पे ये वाला ये सिंबल लगेगा, ये सब करेक्ट होना चाहिए, तो ये तब जा करके क्या होता है, तब जा करके एक शिक्षक जब उनको पता है कि बच्चे अनुकरण कर रहे हैं तो ये सब क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, तब जा करके ये कौशल विकसित होते हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है, ये क्लियर है। आगे देखते हैं, एट अ प्राइमरी लेवल स्पीकिंग एक्टिविटी शुड इंक्लूड ग्रीटिंग्स, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, आस्किंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, शेयरिंग स्टोरीज, एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट। यानी कि जो प्राइमरी लेवल होती है स्पीकिंग एक्टिविटीज जो हम बोल रहे हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, हम आदर्श, जब हम आदर पूर्वक किसी से, हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है, हमें ए चल तो दे तो, ये क्या है, तो दे देगा क्या कोई, आप विनम्रता के साथ में मांगिए तो उसका नहीं भी माने कुछ चीज देने का तो भी दे देगा, प्लीज आप क्या मुझे, या फिर आपको बोलना है थोड़ा साइड हो जाइए, उठ तो चल दो यहाँ से, ऐसा बोल दोगे तो वो तो उठने वाला भी होगा तो नहीं उठेगा, प्लीज थोड़ा सा खसकेंगे क्या, प्लीज थोड़ा सा साइड होंगे क्या, हो गया व्यक्ति साइड, तो आपको कैसे बोलना है ये आपको बताना है कि अच्छा इस तरीके से बोला जाता है, इस तरीके से बोला जाता है, तो स्पीकिंग एक्टिविटीज में ये सभी चीजें इंक्लूड होती हैं, तब जाकर के वो कौशल विकसित होते हैं। तो कौन सिखाता है, शिक्षक सिखाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज स्किल कैन बी लर्न बाय एक्टिविटीज थ्रू और बेस्ड ऑन सिचुएशन, बोलने का बोलना कैसे आए फिर, तो ये बोलने का तब आता है जब हम वैसा कुछ कुछ ऐसा सिचुएशंस आता है। इंडिविजुअल अटेंशन मस्ट बी गिवन टू लर्नर्स, यानी कि कैसे आप इसको विकसित कर सकते हो, लैंग्वेज, जैसे कि बोलना कब सीखेगा व्यक्ति, बोलना तब सीखेगा जब बच्चों को कॉम्पिटिशन को ऐसा करवा दो कि आज तुमको ना ये कल असेंबली है, असेंबली में ना कल तुमको स्पीच देना है, कल ये एक ठो कुछ आप ना थॉट प्रिपेयर करके आना, थॉट तुमको बोलना है, न्यूज तुमको बोलना है, हमारे है ना डिबेट कॉम्पिटिशन होने वाला, डिबेट में तुमको पार्टिसिपेट करना है, सिचुएशन दो ना बच्चे को, तब तो बच्चा बोले, इसका आंसर बताओ, खड़े हो अभी जो मैंने बताया हो उसका आंसर बताओ, बच्चा बोल रहा है आप, तो लैंग्वेज स्किल कैसे डेवलप होगी, जब आप उसको सिचुएशन दोगे। तो एग्जाम में यदि आता है ये चीज, ठीक है, ये सब पूछा गया है क्योंकि एग्जाम में, तो आप लोगों को याद रखना है कि बोलने का कौशल कैसे विकसित होता है, बोलने का कौशल विकसित होता है सिचुएशन से। लेकिन जब यदि हम बात कर लैंग्वेज स्किल, यदि पूरा इसके पूरी कैटेगरी में यदि हम आ जाए, जो लैंग्वेज स्किल में क्या आता है, LSRW ये आता है, तो जैसे जैसे एक्टिविटीज, जैसे लिखना, हमें लिखना कब आएगा, लिखना हमें तब आएगा जब हम लिखेंगे तब तो आएगा ना, पढ़ना कब आएगा, जब पढ़ोगे तब तो आएगा ना, बोलना कब आएगा, जब बोलोगे तब आएगा, सुनना कब आएगा, जब सुनोगे तब तो आएगा। तो सिंपल सी बात है, एक्टिविटीज ये एक्टिविटी बेस्ड है, सिचुएशन बेस्ड है। लेकिन इसमें यदि हम बात करते हैं जो लिसनिंग है, जो स्पीकिंग है, ये सब चीजें, ये सब कैसे आती हैं, बहुत हद तक शिक्षकों का अनुकरण करके, हम जब शिक्षकों का अनुकरण करते हैं तो एक शिक्षक के लिए अनिवार्य क्या हो जाता है, शिक्षक के लिए अनिवार्य होता है उनके प्रोनंसिएशन सही होना चाहिए, उनका रिदम सही होना चाहिए, उनका इंटोनेशन ये सब सही होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। 1 or 2 पीरियड पर सेक्शन बी अलॉटेड फॉर ओरल कॉन्वर्सेशन, यानी कि बात करना ओरल कॉन्वर्सेशन के लिए भी क्या होना चाहिए कि 1-2 पीरियड बिल्कुल देने चाहिए, तब जाकर के हम बातचीत करें, सिचुएशन दो ना, बातचीत करने का मौका तो दो, नहीं तो बच्चा बोलेगा कैसे, नहीं बोल पाएगा। द टीचर शुड हैव अ सिंपैथेटिक आउटलुक टुवर्ड्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग शॉर्टकमिंग्स ऑफ लर्नर्स, यानी कि किसी बच्चे में कोई भी यदि डिफेक्ट है, डिफेक्ट मतलब कि यदि उसको किसी भी प्रकार से परेशानी हो रही, किसमें परेशानी हो रही, यदि सुनने में परेशानी है, बोलने में परेशानी है, तो उनको क्या होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण उनको व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज इज द अल्टीमेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो भाषा होती है ना, किसी भी संचार का सबसे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है संचार में, ठीक। एन एग्रीड कोड एग्जिस्ट इन ऑल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ अ कंट्री, एक कोड पर्टिकुलर होता ही है सभी भाषा में कि ये इस भाषा को, जैसे कि हिंदी या देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, हिंदी क्या, इंग्लिश है तो रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, बोला जाता है, तो बस ऐसा ही है, तो वही चीज लिखा है जो कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट रहता है मैं आप लोगों को खुद ही बता देती हूँ, ठीक। तो हमने ये जाना कि कैसे ये कौशल विकसित हो सकते हैं। फिर आता है फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज एंड हाउ अ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, आखिरकार ये लैंग्वेज की फंक्शन क्या, हमारा टॉपिक है ना सिलेबस में आपके दिया हुआ है ना फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज, तो आखिरकार ये भाषा की फंक्शन क्या है और कैसे बच्चा इसको एज अ टूल, एक यंत्र के रूप में, यदि सिंपल सी बात है ना,
टूल के रूप में कैसे बच्चा यूज कर सकता है। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टूल्स दैट कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ये भाषा है ना, तो भाषा किसी के बौद्धिक विकास को क्या करती है? प्रभावित करती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को क्या कर रही है? असर डालती है। क्यों? क्योंकि एक ये साइकोलॉजिकल टूल है, मनोवैज्ञानिक यंत्र है। ये भाषा क्या है? मनोवैज्ञानिक यंत्र है, साइकोलॉजिकल टूल है, जो कि बच्चों के बौद्धिक विकास पर प्रभाव डालती है। डालती है क्या? जी हाँ, हम भाषा के माध्यम से हर चीज जानते हैं, है ना, कि अच्छा इसको ना पुस्तक बोला जाता है, इसको पेन बोला जाता है, ये क्या है, ये कैसे, ये शब्द कहाँ से आया, अच्छा ये हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे, उर्दू, फारसी, जो कुछ भी है, जिसमें भी लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर सोशल इंटरेक्शन प्लेज एन फंडामेंटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कॉग्निशन एंड इंटेलेक्ट, देयरफॉर लैंग्वेज बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर कम्युनिकेशन। और इसीलिए भाषा क्या है, सिंपल सी बात लिखी हुई है कि सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक, जो हम समाज के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे हो पा रही है, तो उसके लिए इंटरेक्शन के लिए आपको किसी के साथ में आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए भाषा की अनिवार्यता है। जी हाँ, भाषा की अनिवार्यता है, ठीक है। तो ये सिंपल आपको लगेगा, ये तो सिंपल, इतनी आसान सी बातें क्यों लिखी है? आसान सी बातें इसलिए लिखी है क्योंकि ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये आसान सी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी किसी को ये लग रहा है, अरे यार इतनी आसान सी बातें, तो हमें तो बिल्कुल पता है ना कि लैंग्वेज तो एक पैरामीटर होता है कम्युनिकेशन का। जी हाँ, आपको पता है, लेकिन ये एग्जामिनर भी ऐसे पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद में क्या बताया गया, चिल्ड्रन टेंड टू यूज लैंग्वेज इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स। बच्चा ये लैंग्वेज को तीन अलग अलग रूपों में प्रयोग करता है। कैसे प्रयोग करता है? एज एन एसेंशियल फैक्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड सोशल स्पीच। कैसे? पहली बात तो एक कैसे यूज किया, वो एक कारक के रूप में, कैसा कि संचार के लिए प्रयोग कर लें हम, सोशल स्पीच के लिए यूज कर लें हम, कुछ बोलना है समाज में, कुछ बोलना है तो कोई भाषा तो आनी चाहिए ना। अब आप यहाँ पे, आप गांव, आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, ग्रामीण क्षेत्र में हम चले गए, वहाँ पे लोग केवल छत्तीसगढ़िया समझ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल छत्तीसगढ़िया तो लोग समझ रहे हैं। फिर उसके बाद में हम जा करके वहाँ पे ना इंग्लिश बोल रहे हैं, लोग समझ गए? नहीं समझे। क्यों? क्योंकि वो तो छत्तीसगढ़िया ही केवल समझते हैं, आप तो इंग्लिश बोल रहे हो, तो आपको बोलना क्या है? आपको बोलना है क्योंकि जो उनको समझ में आता है, तो आप उसका प्रयोग करो, तो भाषा का प्रयोग करोगे, या तो आप हिंदी भाषा का प्रयोग करो या तो छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग करो, आपको वो उसको प्रयोग में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो भाषा किस रूप में लाई जाती है? संचार के लिए प्रयोग किया जाता है, सोशल स्पीच के लिए प्रयोग किया जाता है, सामाजिक, जो बातचीत करने के लिए सामाजिक भाषण की कैटेगरी में आता है। एज ईगोसेंट्रिक और प्राइवेट स्पीच टू कंट्रोल देयर ओन थिंकिंग। मन में सोच रहे, नहीं यार ये सही नहीं है, टाइम वेस्ट हो जा रहा है बेफालतू का, आज दिन भर पढ़ाई नहीं हुई है हमारी, अपने को ना पढ़ाई करना है। कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है? आप। कौन बोला, कौन सुना? आप सुन रहे हैं। बोले कैसे? भाषा में बोले ना, एज अ ईगो सेंट्रिक और अ प्राइवेट स्पीच टू कंट्रोल देयर ओन थिंकिंग। अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, अपने विचारों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए अपने आप से बात कर रहे हो। नहीं यार, बहुत ज़्यादा आज तो फेसबुक बहुत ज़्यादा चला लिया मैं तो, आज तो इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा चला लिया, आज व्हाट्सअप में तो केवल स्टेटस ही स्टेटस सबका देखते रह गया यार, यूट्यूब में कि बेफालतू का स्क्रॉल करते मोटिवेशनल वीडियो इतना ज़्यादा देख लिया कि पूरा समय मेरा तो चला गया, पढ़ाई नहीं हो पाया बिल्कुल भी। कौन बात कर रहा है? आप बात कर रहे हो। सुन कौन रहा है? आप सुन रहे हो। तो ये भाषा का प्रयोग करके ही तो बोल रहे हो ना, कि किसमें बोल रहे हो? भाषा का प्रयोग करके ही बोल रहे हो। फिर द लास्ट स्टेट इज अ लैंग्वेज डेवलपमेंट वेयर दीज यूज वर्बल थॉट्स टू गाइड व्हाट दे आर थिंकिंग एंड देयर एक्शंस। अब मन ही मन कोई भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है, मन ही मन चल रहा है, मन ही मन चीजें चल रही हैं, ऐसा करना है वैसा, मन ही अंदर ही अंदर चल रहा है। वो लास्ट स्टेज होती है डेवलपमेंट की, यानी कि वो एक, यदि हम देखें तो भाषा के अंतर्गत वो स्टेज आती है जहाँ पे आप अपने आप को गाइड कर रहे हो, आप अपने एक्शंस को, अपनी थिंकिंग को गाइड कर रहे हो। यहाँ पे तो अपने आप से बोल रहे, नहीं यार ऐसा नहीं करना है, ऐसा ये करना है, वैसा करना है, अभी यहाँ जाना है, वो करना है, मन ही मन में बोल रहे, प्राइवेट स्पीच है, अपने आप से बोल रहे हो। पहली बार में दूसरों से बोल रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे, सोशल स्पीच था वो, लोगों, बहुत लोगों को सुना रहे हो,
किसी एक को सुनाओ चाहे बहुत लोगों को सुनाओ, तो वो पहली पहली अवस्था में थे आप भाषा की, दूसरी अवस्था में आप अपने से बात कर रहे हो, खुद बोल रहे हो, तीसरी अवस्था में जब आप आए हो भाषा की तो आपके शब्द नहीं निकल रहे, लेकिन भाषा तो है, भाषा तो है लेकिन शब्द बाहर नहीं आए हैं, शब्द बाहर नहीं आए हैं, वो वर्बल थॉट्स हैं, वो केवल आपकी सोच में है, वो क्या है, वो आपकी सोच के हैं वो, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। लैंग्वेज इज नोन टू हेल्प चिल्ड्रन टू थिंक अबाउट मेंटल एबिलिटीज, ये लैंग्वेज ही तो है जो कि हमें मदद करती है किसके लिए, कि हम सोच सकें कि अभी हमारी मानसिक क्षमता क्या है, हमारे व्यवहार क्या है, एंड इज द फाउंडेशन फॉर ऑल हायर कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी कि जो हायर कॉग्निटिव जो प्रोसेस होते हैं संज्ञानात्मक, जो उच्च की संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया होती है, चाहे हम कंट्रोल्ड अटेंशन हो, डेलिबरेट मेमोराइजेशन हो, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो, या सेल्फ रिफ्लेक्शन हो, सिंपल से समझो इतनी बातें जो इतनी सारी चीजें लिखी हैं हमें समझ में नहीं आ रही, इतनी सारी इंग्लिश लिख दियो, कुछ चीज पल्ले नहीं पड़ रहे, क्या लिख दियो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपन पल्ले पढ़ाते हैं यहाँ पे। कैसे पढ़ाएंगे कि भाषा क्या है, भाषा जो है हमें हमारी मानसिक क्षमता को जानने के लिए क्या करती है, हमें हमें मदद करती है, क्यों, तभी तो हम जान पाते ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कि आंसर याद हुआ क्या नहीं, ये चीज समझ में आया क्या, एक बार रिपीट कर लेते अपन, मनी मन में रिपीट कर लेते हैं, अच्छा क्या पढ़े थे अपन लोग, हमने स्टार्ट किया क्या, मनी मन चल रहा है, मनी मन क्या चल रहा है, अच्छा आज के सेशन में हमने देखा LSRW में हमने L और R की एक कैटेगरी बनाई, S और W की एक कैटेगरी बनाई, एक होता है प्रोडक्टिव, एक होता है रिसेप्टिव, अच्छा एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्सप्रेसिव, अच्छा फिर उसके बाद हमने भाषा हमने पढ़ लिया था, स्पीकिंग को हम भाषा के अंतर्गत हमने ना लिसनिंग को पढ़ लिया, हम स्पीकिंग पढ़ रहे हैं, मन ही मन चल रहा है, यानी कि आप अपनी मानसिक, अच्छा मुझे याद है नहीं यार मैं तो एक बार भूल गया, ठीक है दोबारा देख लेता हूँ वो वीडियो, ठीक है दोबारा PDF कर पढ़ लेता हूँ, यानी कि आप मानसिक क्षमता, आप अपने आप को जान रहे हो, तो भाषा का प्रयोग कर रहे हो क्या, जी हाँ आप बिल्कुल भाषा का प्रयोग कर रहे हो, यार ये ना मुझे सॉल्व नहीं हुआ है ये जी, इसको ऐसे करना है वो, तो ये सब जो चल रहा होता है, यानी कि लैंग्वेज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यहाँ तक कि संचार के लिए तो प्रयोग की गई, कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग की गई, चाहे दूसरे के साथ हो, फिर वो प्राइवेट स्पीच में भी प्रयोग की गई, अपने आप को थिंकिंग, अपने एक्शंस उसके कंट्रोल में भी प्रयोग की गई, लेकिन आपकी मानसिक क्षमता के बारे में भी बताती, मानसिक क्षमता के बारे में ये कैसे बताती है कि आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करते, अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये ऐसा है, तो एक भाषा गई तो प्रयोग करके कर रहे हो ना, तो वहां पे भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इसके MCQ प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जो चीजें नहीं भी समझ में आई हैं तो वो भी चीजें और अच्छे से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, और इसी के साथ में हम आज की क्लास को एंड करेंगे। मेरी आशा यही है और मेरी कोशिश यही है कि जो इंग्लिश पेडागॉजी का जो लोगों के मन में जो डर है वो डर ना रहे, क्योंकि आप हमेशा याद रखिएगा कि बाकी चीजें तो कर तो सब लोग वही रहे हैं, हर कोई आप जैसे पढ़ रहे बाकी लोग भी वही पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश पेडागॉजी ये चीज देखा गया है कि इंग्लिश पेडागॉजी में लोगों का ध्यान, अरे यार ये तो हमसे बनेगा नहीं, अरे यार ये तो ऐसा है, अरे यार ये तो ऐसे, बाकी में हम बिल्कुल कर लेंगे, इंग्लिश पेडागॉजी थोड़ा देख लेंगे, जब थोड़ा देख लेंगे, जब आपको पता है कि कॉम्पिटिशन वहाँ पे कैसा है, तो हम अपना मार्क्स क्यों ना इंक्रीज कर लें, जब हम अपने मार्क्स इंक्रीज करने में रहेंगे, यानी कि हम अपना वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल अपनी सीट वहां पे पक्की कर रहे हैं, एक एक नंबर मायने रखता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्या मायने रखता है, एक एक नंबर मायने रखता है, ठीक है, आगे पीछे वो जो गैपिंग आती है ना, इतने सारे रैंक निकल करके आ जाते हैं, इतने सारे लोग आ गए, वो केवल एक एक नंबर की गैपिंग में आ जाते हैं, है ना, तो उस चीज को हमको क्या करना है, उस चीज को एक एक नंबर के लिए पढ़ना है, तो अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से नंबर बिल्कुल लाएंगे। इसी के साथ में आज की क्लास को हम एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग, नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन, जय हिंद जय भारत।